हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस एकता गौर। हमने लास्ट वीडियो में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल। अब हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज आल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल। जस्ट यू कैन सी हियर, इट is a fluid, floating like material. Just I try to show you in the 3D picture. यहाँ पर आप देखो cell organelles एक fluid में float कर रहे हैं. So that is the cytoplasm. ठीक है? So it is a compulsory part of the cell because cell is filled with a fluid. So that fluid is the cytoplasm. And only in this part all the cell organelles can be exist. ओके मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 स्टे एट होम, बी सेफ, और बिल्कुल आप घर से बाहर जाने के लिए सोचे ही नहीं। इवन बच्चों, आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ भी खेलने के लिए नहीं जाना है। आपको बिल्कुल अपने घर में रहना है और सेफ रहना है, क्योंकि आप ये भी नहीं जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके पड़ोस में किस बच्चे को हुआ है, किस बड़े को हुआ है। तो इसलिए अब हमारे लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ओके, सो प्लीज़ स्टे होम एंड बी सेफ एट योर होम। सो बच्चों, व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक मटीरियल विच इज मोस्टली मेड आउट ऑफ वाटर। इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 70-90% ऑफ वाटर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, आपको मैंने पहले न्यूक्लियस बताया था कि न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो साइट पार्ट है दैट इज फिल्ड बाय विद अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट इज इट इज द साइट वेयर मोस्ट सेल एक्टिविटीज आर कैरीड आउट। जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं वो सब यहीं पर होते हैं। बेटा, हमारी बॉडी में जो भी काम कर रहा है वो एक सेल कर रहा है, और जैसा एक सेल में हो रहा है वैसा ही मिलियंस ऑफ सेल्स में भी हो रहा है। ठीक है, तो जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। इट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सेल्स अटैच्ड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अभी हमने सबसे पहला ऑर्गेनल हमने पढ़ा था, ये दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज द न्यूक्लियस। बिटवीन इट दैट फ्लूइड लाइक मटीरियल इज प्रेजेंट विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। नाउ साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू थ्री जोन्स। व्हाट आर दीज? वन इज द साइटोसोल, इट इज द मेन सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। बेटा, जो साइटोप्लाज्म जो यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड है, only that fluid is known as cytosol. Second one is organelles, the permanent components of the cytoplasm. अब जो permanent components हैं, कुछ organelles हमारी body में हर cell के अंदर continuously exist करते हैं, वो permanent structures organelles कहलाते हैं। ठीक है, next is inclusions. Inclusions the time components of the cytoplasm. अब वो कंपोनेंट्स जो साइटोप्लाज्म में टाइम बीइंग बनते हैं, दैट मीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट बनते हैं, दे आर नोन एज इंक्लूजन्स। नाउ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, व्हाट इज इट? साइटोप्लाज्म अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल बाय अ प्रोसेस टर्म्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज गिविंग द फ्लोटेशन टू ऑल द ऑर्गेनल्स। देखो, इस स्लाइड में मैंने सारे ऑर्गेनल्स आपको दिखाए हैं, तो ये सब इसमें फ्लोट कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल को बाहर आना है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल से हेल्प लेना है, और फिर जेनेटिक मटीरियल को अपने सेल को डिवाइड करने के लिए वापस अंदर जाना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसके अलावा साइटोप्लाज्म स्टेशनरी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म?
First is, it prevents the grouping of organelles in places due to gravity that would prevent their function. अब देखो ये एक दूसरे organelles को एक दूसरे के साथ attach नहीं होने देते हैं, ठीक है? So that is the function of cytoplasm. Just you can see in this animal cell, they all are showing the social distancing. जैसे कि आपको कहा जा रहा है आजकल, ऐसे ही अब हम इस सेल से सीख सकते हैं कि यदि आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं तो आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है? सो दैट कंट्रोल्ड बाय द साइटोप्लाज्म. अनदर वन फंक्शन इज, इट एक्ट्स एज अ बफर एंड प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ द सेल फ्रॉम डैमेज कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट एंड कॉलिजन विद अदर सेल्स. अब इट एक्ट्स एज अ बफर, ये जो सेल है उसका पीएच है उसको कंट्रोल करता है और जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करता है. और जिस समय जेनेटिक मटेरियल अंदर या बाहर जा रहा है उस समय उस जेनेटिक मटेरियल को भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? नेक्स्ट इज, इट एड्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जस्ट लाइक अ ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस, सो दैट एवरी फंक्शन कंट्रोल्ड बाय द साइटोप्लाज्म. क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में बेटा सभी तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. अभी अब जब आप इन सब सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि इन सबका अलग अलग क्या फंक्शन है, ठीक है? सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो बच्चों, आई स्पेशल ऑर्गन साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म इज अ वेरी स्पेशल ऑर्गन इन आवर सेल. लेट्स सी, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स. ओके, अब ये स्पेशल सेल्स रखता है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज स्पेशल ऑर्गन. इट इज कंसीडर्ड एज अ स्पेशल ऑर्गन. दीज सेल ऑर्गेनल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट वी राइट ER. ओके, सेकेंड इज गॉल्गी एपरेटस, थर्ड इज लाइसोसोम्स, फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ इज प्लास्टिड्स एंड सिक्स्थ इज वैक्यूल्स. तो यहाँ इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ रहे हैं. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द ऑर्गेनल्स, सो डोंट स्किप दैट वीडियो ऑल्सो. इट विल बी द एंड ऑफ योर चैप्टर एंड देन कंटिन्यूस आई विल गिव यू द असाइनमेंट्स. थैंक यू ऑल ऑफ यू. जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कमेंट बिलो फॉर योर क्वेरीज. Join me on Google Classroom. Follow the steps given in the description. So I am Ekta ma'am. Just I wish, have a great day, have a nice day. Thank you.